गाड़ी के पीछे की जगह उसमें सेटल डाउन कर रहे थे, और अचानक से क्या होता है, मुझे यहाँ तक नहीं मैंने देखा कि कोई मतलब ऐसे कोई ई रिक्शा आता है पीछे से, गाड़ी हल्की फुल्की सी मूव हो रही थी, गाड़ी तो चल ही नहीं रही थी कि जिस तरह के रैश ड्राइविंग की बात करें, रैश ड्राइविंग मार्केट प्लेस में, इतनी बड़ी सिक्योरिटी, इतनी बड़ी जनता के बीच में आप रैश ड्राइविंग, वो भी एक मार्केट प्लेस पे, आप कभी रैश ड्राइविंग कर नहीं और सकते। आप कह रहे मनोज सामान रख रहे थे तो चलती गाड़ी में तो नहीं रख रहे, मृत्युंजय सामान, मनोज वॉज टॉकिंग टू मी, वी वर जस्ट डिस्कसिंग, चलती गाड़ी में तो सामान नहीं रख रहे, बिल्कुल नहीं रख सकते, हम आपस में बात कर रहे थे कि मनोज क्या करना है, यहाँ से निकलते हैं और हम चंडीगढ़, मतलब हम निकलने का हम चाह रहे थे कि हम निकले, क्योंकि सिक्योरिटी जब आगे पीछे थी तो हम बहुत मतलब हमको लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं मैम, क्योंकि मुझे पहले से ये जानकारी मिल गई थी कि कुछ एक्शन होने वाला है। ये किसने दी जानकारी? स्ट्रिंगर ने बोला था ये बात आके, स्ट्रिंगर साहब जो थे, कुछ स्ट्रिंगर्स, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, वहां पे दो तीन चार स्ट्रिंगर्स थे, रिपोर्टर्स भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, उन्होंने आके बोला कि यहाँ पर कुछ मैडम खड़ी हैं जो बड़े अफसर हैं, उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर पंजाब के जितने रिपोर्टर्स हैं उनको बोलो यहाँ से तुरंत चले जाएं, वरना सबको उठा लेंगे, सबको सबको, तो यहाँ पर सब लोग निकल जाएं, मतलब ये जानकारी सिर्फ उनको दी गई थी जो पंजाब के थे रिपोर्टर्स, कि यहाँ पे जगह खाली करो। मतलब आप लोगों को एक अंदेशा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या है ये, नहीं ये कोई सोच नहीं सर, ये ये तो पता भी नहीं था कि वी आर गेटिंग अरेस्टेड। अब तो सही ड्रामा शुरू हुआ, वो गाड़ी आई, वो गाड़ी टकरा के, मतलब वो गाड़ी स्टार्ट होगी, बिकॉज वी वर अबाउट टू गो अवे, तो गाड़ी स्टार्ट होगी, इट वॉज नॉट कि हम एकदम तेज जा रहे हैं और गाड़ी पीछे से, एक रैश ड्राइविंग क्या होती है कि तेज से जा रहे हैं और टकरा के, मतलब एक्सीडेंट हो गया, कोई लहू लुहान वाली स्थिति, ऐसी कुछ स्थिति नहीं थी सर, वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे, आई वॉज शाउटिंग इन द पुलिस स्टेशन कि मुझे प्लीज सीसीटीवी कैमरे फुटेज, आप जब अभी ये तो बहुत आगे की घटना है, गाड़ी से एक ई रिक्शा टकराती, मुझे तो पता भी नहीं है रिक्शे पे कौन बैठा है, कितने सवार, बहुत सारे रिक्शे जा रहे थे अगल बगल से, तो अचानक से मैं सुनती हूँ कि ड्राइवर और किसी औरतों में बहुत कुछ बात हो रही होती है, वो जो औरतें थी वो बहुत पंजाबी में बहुत तेज चिल्ला रही थी, इतनी तेज चिल्ला रही थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं अभी कैसे, मतलब अभी पूरा देश मुझे देख रहा है, मगर उस आवाज में चिल्लाऊं कि अरे क्या कर रही, मतलब वो पंजाबी में बोल रहे थे, इतनी उनकी लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने बोला, मनोज ने बोला कि भावना कुछ प्लान है, भावना निकलो, मैंने मृत्युंजय को बोला मृत्युंजय कैमरा टूटे चाहे फूटे आप गाड़ी में बैठो, मृत्युंजय आके गाड़ी में बैठते, परमिंदर को मैं बोलती हूं आप जल्दी स्टार्ट करो गाड़ी, आप इस दौरान गाड़ी में, मैं गाड़ी में खोल के मैं बैठ गई। मैंने मनोज को शीशा, मनोज ने मुझसे बोला भावना तुम चाहे तो यू कैन, मैं गाड़ी पीछे भेज रहा हूँ उतर जाओ आप, मैंने बोला कि नहीं नहीं मैं इसी गाड़ी से निकलती हूँ, पता नहीं गाड़ी कितनी देर में आएगी आप बोल रहे हो, तो मतलब वो पैनिक सिचुएशन होने लगी, अचानक से मैं देखती हूँ बहस वो औरतें, मतलब दे वर ट्राइंग टू प्रोवोक, ऐसा लग रहा था कि हम वो हमें प्रोवोक करें और हम उन्हें बोले कुछ कि भाई क्यों कर रहे हो यार ये सब मत करो, मैंने यहां तक कि उन औरतों को बोला मैडम प्लीज चलिए चलिए आप ये सब मत करिए हमें जाना है निकलना है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ था सर, वो मैं अगर ये दुपट्टा ऐसी ही एक सफेद दुपट्टा है मान लीजिए सर, ये सफेद दुपट्टा मैंने ऐसे हाथ में बांध लिया, मैंने बोला मेरा हाथ कुछ हो गया ठीक है, मैं भी चाहूं तो मैं आई कैन ऑल्सो एक्टिंग कर लेंगे सब, औरतों ने देख रहा हूं आपको अभी भी वो याद कर, अभी तो आपने आगे स्थिति तो अब शुरुआत हो रही है सर, उस टाइम तक तो मैं पैनिक में थी कि मुझे यहाँ मेरे दिमाग में बस ये था कि आई हैव टू लीव दिस प्लेस किसी भी कॉस्ट पे, मैं और मृत्युंजय बोल रहे थे निकलना है हमें निकलना होगा, घबराहट होने लगी अचानक से, मैं अगर उसको याद भी करती हूँ ना वो 4:30-5 बजे का वक्त था, जो भी वहां मौजूद कैमरा पर्सन थे मैं अभी भी धन्यवाद करती हूँ उनका, वो स्ट्रिंगर जो वीडियो बना रहे थे, अगर वो वीडियो नहीं होता मेरे पास कुछ नहीं होता बताने को कि क्या हुआ, गाड़ी रुकी थी, गाड़ी टकराई, बहसबाजी हुई, अचानक से कोई सीनियर ऑफिसर आते हैं, एक किसी अफसर को मेरी गाड़ी में बैठा देते हैं, आपने देखा होगा वो बिना बैच वाला वो बैठते हैं, तो मैं उनसे बोलती हूँ सर आप क्यों बैठ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, बोले नहीं नहीं देखो, उन्होंने मुझसे बोला देखो कुछ नहीं करना है, ये लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं ना, आप यहाँ पे कार्यक्रम स्थल है, मुख्यमंत्री साहब अंदर है तो यहाँ पर क्योस नहीं कर सकते, बल्कि हम सड़क बहुत कार्यक्रम स्थल से बहुत आगे आ गए थे, बोले यहाँ क्योस नहीं करते, आप एक काम करो थाना चलो हम चाय पानी पियेंगे और बात बात करके सुलह करके आप निकल जाना, तो आई वॉज मतलब मैंने बहुत इनोसेंटली ऐसे रिएक्ट किया जैसे हमारे पुलिस किसी भी अफसर, हम दिल्ली में हम रिपोर्टर्स है, हमारा उठना बैठना चाय पानी खबरों को लेकर, मुझे लगा ये बहुत नॉर्मल है, दे आर गिविंग मी रिस्पेक्ट। सॉरी मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर, ये सब घटनाक्रम जितना आप कह रही कि आप पैनिक में आ गई, आपने कहा यहां से निकलना है और सारी चीजें, ऐसा लग रहा है 1-2 मिनट के अंदर हुआ, आप जो आरोप आप पे लग रहा है कि आपने उनको जाति सूचक गालियां दी और कहा गाड़ी चढ़ा दो, सर ऐसा कैसे हो सकता है,
हो ही नहीं सकता, बात ही नहीं हुई मेरी किसी से, और मैं कभी, मैं क्यों, अरे कितना भी गिरा हुआ इंसान होगा, मैं वो कभी ये बात नहीं कहेगा किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, कोई मर जाएगा तो मुझे डर नहीं अपनी जिंदगी का, और मैं किसी को गाली, मतलब गाली क्यों दूंगी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है आपको, उनका नाम भी नहीं पता था। और वो ई रिक्शा है, वो कैसे लगी गाड़ी में? मैं, वो पीछे से तेज स्पीड में आते हैं, वो तेज स्पीड में आए, गाड़ी गाड़ी तेज स्पीड में हो नहीं सकती। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि वो बहुत कंजस्टेड मार्केट था, तो आप खुद सोचिए इनोवा कोई गाड़ी छोटी नहीं होती, बड़ी गाड़ी, अब रैश ड्राइविंग कैसे, गाड़ी तेज सिर्फ हाईवे पे चल सकती है, मार्केट प्लेस पे आप कभी, मार्केट प्लेस पे आप ई रिक्शा को तेज चला सकते हो, गाड़ी को नहीं सुशांत जी तेज चला सकते हो। ये एक और बात आपने मुझे कही थी, आपने कहा कि जब आप जा रहे थे वहां पे वॉक थ्रूज कर रहे थे, तो एक बोलेरो में से कुछ लोग, दो बोलेरो थी, दो बोलेरो, उसमें से जो लोग निकले बड़े पर्सनालिटी वाले, वो सिक्योरिटी के लोग हैं? क्योंकि एक आध ऐसे लोग दिख रहे थे वीडियो में, ब्लू टी शर्ट, व्हाइट स्ट्राइप्स, ये सिक्योरिटी टाइप के लोग थे? मैम दे वर पुलिस इन प्लेन क्लोथ्स, यस, क्योंकि उनकी पहचान मुझे, जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंची शाम को, तो वो सारे चेहरे मुझे दिखने लगे, वो सारे जो सिविल्स में थे, लेडीज थी, और वो सारे वहाँ मौजूद थे पुलिस स्टेशन में। अगले दिन वो सारे यूनिफॉर्म में भी मुझे दिखे जब मुझे कोर्ट ले जाया गया, बहुत शॉकिंग हो रहा था मेरे लिए। उसके बाद गाड़ी में जब SHO कांड, यहाँ मतलब ये पूरी सिचुएशन, SHO साहब बैठे, तो उन्होंने बोला कि हम बस पूछताछ, और भी गाड़ी के शीशे नीचे थे, तो अफसर साहब बोल रहे थे कि आप चलिए चलिए मैडम, कुछ नहीं, वो बातचीत होगा और हम सब, आप निकल जाना, कोई दिक्कत। मैंने बोला चलो ठीक है, चलो चलते हैं। वहां से आपकी गाड़ी निकली, गाड़ी मूव होती है, SHO साहब से मैं कहती हूँ सर आप मेल हो और दिस इज नॉट गुड, और वीडियोस बन रहे हैं, सर आप गाड़ी से उतर जाइए, क्योंकि आप मुझे कहीं भी लेके जा रहे हो ना, तो वो एक गलत इम्पैक्ट डालेगा। मुझे नहीं पता था मैं अरेस्ट हूँ या कुछ भी, मैंने बोला कि सर आप मेरी गाड़ी में बैठ के मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, आई वाज शाउटिंग। तो बोले, अब मैंने उनको ये बोला कि आप किसी फीमेल कांस्टेबल या किसी इंस्पेक्टर जो फीमेल हो उनको बैठाओ, तो वो खुद डर गए। ये जैसे मैंने ये बात बोली तो वो डर गए। हम आधे रास्ते गए उनके साथ, तो वो उतर के उन्होंने फोन ऑन किया किसी ऑफिसर को कि सर सर प्लीज 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 सर प्लीज किसी लेडी को भेजिए। लेडी आती है भागते हुए, फिर लेडी बैठती है, और हम लुधियाना के थाने नंबर 3 पे पहुंचते हैं।